डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे थे, फार्मासी से रिलेटेड पढ़ रहे थे और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रिलेटेड पढ़ रहे थे, इन दोनों के एग्जाम्स को रिलेटेड पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं अभी और इसमें अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैं पूरा फार्मासिस्ट का सिलेबस कवर करूंगा और यूनिवर्सिटी एग्जाम के भी जितने पॉसिबल के सब्जेक्ट होंगे मैं उतना पूरा कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप देखते जाइए। और यहाँ पे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स का पूरा कंप्लीट हो चुका था। यदि आपने गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स की पूरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आपने वो देखना, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एंटा एसिड से बात करते हैं या प्रोटेक्टिव एडजोर्बेंट की बात करते हैं। इस तरह से अपन वहां पे गैस्ट्रिक एसिडिफायर की बात करेंगे या लैक्सेटिव की बात करेंगे, सेलाइन कैथार्टिक की बात करेंगे। ये सारे के सारे मैं वीडियो में पढ़ा चुका है। यदि आपने ये नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और जो वीडियो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं वीडियोज, तो आपको जो जो सब्जेक्ट है वो जरूर देखिएगा। यहीं पे मैं आपको देखूंगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड्स। तो देखना, अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक आता है टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स बेसिकली होता क्या है? टॉपिकल एजेंट्स बेसिकली जो सरफेस पे लगाया जाता है, बॉडी सरफेस पे लगाया जाता है, हम उनको टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज की मैं बात करूंगा, यहां से शुरुआत करते हैं। आईज की बात करें, नोज की बात करें, ओरल कैविटी की बात करें, ईयर की बात करें और यहाँ पे वेजाइनल ट्रैक की बात करें, यूरेथ्रा की बात करें और एनस की बात करें, तो इस तरह से सारे के सारे बॉडी कैविटीज में भी यदि अपन कहीं पे दवाई लगाते हैं तो उनको भी हम एजेंट टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, हम टॉपिकल एजेंट्स कब लगाते हैं? जैसे सपोज कहीं लग गई तो अपन वहां पे क्रीम या लगाते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं, लोशन लगाते हैं। तो वो कहने का मतलब वो क्या करता है, बाहर की सरफेस को यहां से एक्सपोज होने से बचा देता, इस सरफेस को एक्सपोज होने से बचा देता है, मींस वहां पे कॉन्टामिनेशन नहीं आता। और दूसरी चीज, हमें गोली डायरेक्टली नहीं लेनी पड़ती, जहां पूरी वो गोली लेंगे तो पूरी बॉडी में जाएगा, तो पूरी बॉडी में ना देखे हम यहाँ पे सरफेस पे लगा देते हैं। इस तरह के हमारे एडवांटेजेस है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं टॉपिकल एजेंट्स की बात कर रहे हैं। टॉपिकल एजेंट्स में एक कैटेगरी है प्रोटेक्टिव की बात करेंगे। टॉपिकल एजेंट से बहुत सारे कैटेगरीज आती है, जिसकी पहली कैटेगरी है प्रोटेक्टिव की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि ये ओरली लेने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर एरिया पे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा एक्सपोज सरफेस को। सपोज यहाँ लगा हुआ है तो उस जगह को आइसोलेट कर देगा, जो एनवायरमेंट है वहां से कॉन्टामिनेशन नहीं हो उस जगह को कवर कर देगा। बैंडेज लगाते हैं उसको कवर कर देगा, दैट इज द आइसोलेट टू द एक्सपोज सरफेस। ओके, उससे होगा क्या, बेसिकली दैट इज नॉन सिस्टेमिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नॉन सिस्टेमिक रहेगा वो, और उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जब हम ओरली कोई ड्रग लेते हैं, टेबलेट लेंगे या कैप्सूल लेंगे, तो वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा, लीवर के पास जाएगी, लीवर वो चेक करेगा कि वो वेदर दैट इज अ सुटेबल फॉर आवर बॉडी और नॉट। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पे वो यदि सुटेबल नहीं है तो उसका ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये कहलाता है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब हम वहां पे ओरली ले ही नहीं रहे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। बायोलॉजिकली इनएक्टिव का मतलब बॉडी में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देने वाला हो, मतलब यहाँ पे यहाँ देखना कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने ओरली लिया है और वो बीपी कम कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं देगा, सिंपल प्रोडक्शन के लिए काम करता है। ओके, किस किस फॉर्म में हो सकता है फ्रेंड्स, वो डस्टिंग पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रोटेक्टिव की, वो सस्पेंशन के फॉर्म में हो सकता है, क्रीम के फॉर्म में हो सकता है, लोशन के फॉर्म में हो सकता है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, ये सभी इसकी फॉर्म से किसकी बात कर रहे हैं अपन, ये बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव की। ओके, नाउ प्रोटेक्टिव के अपन यदि एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल टैल्क है, जिंक ऑक्साइड है,
कैलामाइन है, जिंक स्टीरेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है एंड सिलिकॉन पॉलीमर्स है. दीज ऑल आर द प्रोटेक्टिव इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव. फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आता है फार्मासिस्ट एग्जाम विच वन इज द प्रोटेक्टिव. ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, टैल्क है, जिंक ऑक्साइड है, कैलामाइन है, जिंक स्टीरेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन पॉलीमर है. हम इनको सभी को क्वेश्चन बेस्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस तरह का बनता है या उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट है मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूं. इन्हीं पॉइंट्स को यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एक एक लिख देंगे तो आपको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा. तो देखिए ना फ्रेंड्स कौन सा है हमारे पास. सबसे पहले है टैल्क की बात कर रहा हूं. टैल्क का मतलब यहां पे उसका दूसरा नाम है सोप स्टोन भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है. दूसरा नाम एक और है, इसको बोलते हैं फ्रेंच चौक भी बोलते हैं. फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा गया सोप स्टोन इज नोन एज टैल्क की बात कर रहे हैं, फ्रेंच चौक का दूसरा नाम इसका. ओके मेनली ये किसमें यूज होता है, डस्टिंग पाउडर में यूज होता है जिसको टैल्कम पाउडर भी बोलते हैं. फ्रेंड जो भी पाउडर होता है इसको यूज किया जाता है, जो आप डेली यूज में लेते हैं या कैरम बोर्ड में लेते हैं. क्यों लेते हैं, इसके जो पार्टिकल्स है इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस. ग्रिटीनेस का मतलब जो अपन करकर बोलते हैं मिट्टी को, बहुत स्मूथ होता है, दैट इज अ फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, स्मूथ पार्टिकल्स होता है, इसलिए इनको एज ए टैल्कम पाउडर लेते हैं. यदि इस टैल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड ZNO या बोरिक एसिड मिला देंगे तो वो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर हो जाएगा. क्या डालेंगे, या तो जिंक ऑक्साइड दैट इज ZNO या बोरिक एसिड डाल देंगे तो ये वो पाउडर कौन सा हो जाएगा, मेडिकेटेड पाउडर हो जाएगा. इसको यूज क्या क्या होगा, जैसा कि मैंने क्या बताया था, लुब्रिकेंट होता है तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे देता है टैबलेट में या कहीं पर, जैसे मैं कैरम बोर्ड की बात करूं या बहुत जगह मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन में इसको एज ए लुब्रिकेंट लेते हैं. टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एज ए एक्सिपिएंट लेते हैं. फ्रेंड्स दूसरा आता है फिलर्स फॉर द टैबलेट. फिलर्स का मतलब जहां पे कोई गैप रह गया तो उस जगह पे टैल्कम पाउडर डाला जाता है, टैल्क डाला जाता है. फिल्टर मीडिया भी यूज किया जाता है क्योंकि ये इनर्ट मटेरियल होता है. फ्रेंड्स इनर्ट मटेरियल होने की वजह से इसको एज ए फिल्टर मीडिया यूज करते हैं. कैसे, सपोज इसमें जैसे कि इस तरह से सपोज हमने फिल्टर के फिल्ट्रेशन के लिए बनाया, हमने यहाँ पे कोई इस तरह से लगाया कोई एक सपोर्ट के तौर पे, जैसे सपोज हमने फिल्टर पेपर लगा दिया और इसमें यहाँ पे हमने टैल्कम पाउडर बिछा दिया. फ्रेंड टैल्कम पाउडर जो टैल्क होता है वो बिछा दिया. टैल्क बिछाने से क्या होगा, उतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उस वजह से क्या होगा यहाँ पे जो फिल्टर होगा बड़े आराम से फिल्टर हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज होगी वो ऊपर ही रह जाएगी, इसलिए ऐसे फिल्टर मीडिया भी यूज किया जाता है. फ्रेंड्स फिर उसके बाद में ध्यान देना ये कहां कहां यूज नहीं कर सकते, बहुत फाइन पार्टिकल्स है तो ये ब्रोकन स्किन पे यूज नहीं करना, जो घाव होते हैं वाउंड्स में नहीं करना, और सर्जिकल इंसिजन जहां पे कट लगा हुआ है, मतलब जो बॉडी का कट या कहीं पर घाव है या जो भी इस तरह की कंडीशन है, हम वहां पे यूज नहीं करेंगे. ये आपकी थ्योरी या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, डोंट अप्लाई टैल्क ऑन दीज कंडीशंस. ओके फिर आता है फ्रेंड्स जिंक ऑक्साइड. हालांकि जिंक ऑक्साइड से अपन बात करेंगे तो बड़ा रहता है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को याद रखना है वो कौन कौन से हैं. फ्रेंड्स ये माइल्ड एस्ट्रीजेंट है. एस्ट्रीजेंट का मतलब क्या होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग. प्रोटीन प्रेसिपिटेट करता है उसको अपन एस्ट्रीजेंट बोलते हैं. दैट एक्ट एज ए एंटीमाइक्रोबियल. ओके और इसी वजह से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसी वजह से अर्टिकेरिया, एक्जिमा एंड सनबर्न, इन तीनों चीज में हम इसको यूज करते हैं. दीज आर द अर्टिकेरिया, खुजली, एक्जिमा अगेन टाइप ऑफ खुजली, और सनबर्न का मतलब बाहर जब जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें सनबर्न होने लग जाता है. इन तीनों कंडीशन में हम जिंक ऑक्साइड को यूज करते हैं. एस्ट्रीजेंट का मतलब याद रखना प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है. माइल्ड का मतलब यहां पे वीक होता है जिंक ऑक्साइड. इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहां पे टैल्क और जिंक ऑक्साइड. नाउ फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं प्रोटेक्टिव का ही नेक्स्ट एग्जांपल है कैलामाइन. कैलामाइन का नाम सुना होगा, ज्यादातर सभी को पता है कैलामाइन लोशन आता है. यदि आपने कैलामाइन लोशन को देखा हो तो जनरली आपने देखा होगा वो पिंक कलर का होता है. फ्रेंड्स
पिंक कलर का होता है, पिंक कलर उसमें किसकी वजह से होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 या 4 बार फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लेना पिंक कलर बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, आपने कैलामाइन लोशन का नाम सुनना होगा, उसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है द फॉर्मुलेशन या विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कैलामाइन लोशन। बेसिकली उसमें कैलामाइन होता है 50%, जिंक ऑक्साइड होता है उसमें 50%, एंड बोथ आर सस्पेंडेड इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विद बेंटोनाइट मैग्मा। तो मींस कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट हुए, कैलामाइन हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड बेंटोनाइट मैग्मा। दीज आर 4 आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कैलामाइन लोशन। ओके, ये तो हो गया कैलामाइन लोशन की बात करते हैं। कई बार आपने सुना होगा स्पेशल दैट इज अ फिनोलेटेड कैलामाइन लोशन, नाम से पता लग रहा है फिनोलेटेड का मतलब उसमें फिनोल होता है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, हम उसको फिनोल बोलते हैं। ये एसिडिक करैक्टर होता है इसका, एसिडिक करैक्टर की वजह से इसमें 3 प्रॉपर्टी होती है, किसमें फिनोल की वजह से, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी यूज करता है, दैट इज वीक, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज करते हैं, एंटी प्योरिटिक की तरह भी काम करते हैं। मतलब एंटी प्योरिटिक का मतलब क्या होता है, एंटी इचिंग, एंटी इचिंग। ओके, तो इस तरह से इसके 3 काम हो गए। फिनोलेटेड कैलामाइन लोशन इज यूज्ड एज कैसे, लोकल एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक एंड एंटी प्रोटिक, ये 3 यूजेज होते हैं किसके, फिनोलेटेड कैलामाइन लोशन के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स जिंक स्टीरेट की बात करते हैं। जिंक स्टीरेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, बट OBS से हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टिव की बात करें तो ये टॉपिकली यूज तो होगा ही होगा, टॉपिकल प्रोटेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, टॉपिकल प्रोटेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन गलती से किसी ने इनहेल कर दिया, इनहेल का मतलब नाक में ले लिया गलती से या सूंघ लिया उसको, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट OBS है टॉपिकल प्रोटेक्टिव तो यूज होगा ही होगा। फिर अपन बात करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। इसकी क्या कहानी होती है, एक ही गुण होता है इसमें, एक ही करेक्टर होता है, क्या इसमें ओपेसिटी रहती है, फॉर व्हाट, दैट इज स्क्रीन आउट यूवी रेज। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेना, यदि जैसे सपोज ये स्किन है और यहाँ पे हमने इसको एज ए टाइटेनियम डाइऑक्साइड की लेयर लगा दी, तो यहाँ पे सनलाइट आएगी इस तरह से, सनलाइट आएगी इस तरह से, तो क्या होगा हमारी इस स्किन पे यूवी रेज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पे इसको क्रॉस ही नहीं करने दिया, मतलब स्क्रीन आउट कर देती है, मतलब यूवी रेज को ये क्रॉस नहीं करने देता, इसीलिए इसको एज ए ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करती है। इसको सनस्क्रीन लोशन में यूज किया जाता है और क्रीम्स में भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड इन किसमें बात करेंगे, जहां पे सनस्क्रीन लोशन की बात करेंगे या सनस्क्रीन क्रीम की बात करेंगे, तो वहां इसको यूज किया जाएगा, या यू कहेंगे सनस्क्रीन लोशन और सनस्क्रीन क्रीम में कौन सा कंपाउंड मिलता है, तो आपके ऑप्शन में होगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो आपको उसको ही टिक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। ओके, फिर आता है सिलिकॉन पॉलीमर एज ए, वही बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, अगेन प्रोटेक्टिव की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव में सिलिकॉन पॉलीमर आता है, बट OBS से जैसे सिलिकॉन पॉलीमर आता है आपको टॉपिकल प्रोटेक्टिव, टॉपिकल एजेंट के तौर पर प्रोटेक्टिव याद रखना ही रखना है। इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि विच वन इज द सिलिकॉन पॉलीमर, या सिलिकॉन किस में, कौन से कंपाउंड में है,
जहां पे फ्रेंड्स डाइमेथिकोन साइमेथिकोन डाइमिथाइल पॉलीऑक्सीलोक्सेन ये तीन कंपाउंड को याद रख लेना, क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑयल भी बोलते हैं इनको, इनको सिलिकॉन ऑयल भी बोलते हैं, ज्यादातर सिलिकॉन ऑयल वर्ड आता है तो फ्रेंड्स जनरली स्टूडेंट याद करते हैं, फैट ऑयल ऑयल्स पे पहुंच जाते हैं, वो क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है। तो यहाँ पे डाइमेथिकोन साइमेथिकोन एंड डाइमिथाइल पॉलीऑक्सीलोक्सेन याद रखना है, और इसमें सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन का मतलब ऐसा ही की बात कर रहे हैं, ये एक पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट होता है जिसमें टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंट का मतलब सिलिकॉन पे प्लस फोर की वैलेंसी होती है, इसको हम टेट्रावेलेंट बोलते हैं। ओके, इसका यूज क्या होगा, बटोबियस है एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन दूसरा यूज है प्रोफाइलेक्टिक लिया जाता है जो केमिकल इरिटेशन को रिड्यूस करता है, केमिकल इरिटेशन नहीं करता, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब वो डिजीज हो ही नहीं उसके पहले हम ले लेते हैं। और दूसरा एंटीफ्लूटुलेंट, एंटीफ्लूटुलेंट का मतलब क्या होता है, डकार नहीं आती, तो इसको लेने से डकार नहीं आती, और एंटीफॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, किसमें यूज करते हैं इसको अपन जनरली एंटा एसिड प्रिपरेशन के साथ में यूज किया जाता है, एंटीफ्लूटुलेंट और एंटीफॉर्मिंग आपको ध्यान होगा तो वहां पे साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आया था, कहां पे एंटा एसिड के कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में। ये है फ्रेंड्स कौन सारे के सारे टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किया अब तक के जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं, और इसको यदि आप सब्जेक्टिव लेंगे तो ऐसा का ऐसा आप जो मैंने डिस्कस किया है, जो मैंने बताया है, उनको आप पॉइंट वाइज लिखते जाए, एक बार दोबारा वीडियो देखें, अपने नोट्स बना लें, और ऐसा का ऐसा ही आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखेंगे, और मेरा 100% दावा आप 100% पास होंगे, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। यदि आपने बाकी टॉपिक भी आपने पढ़ने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि बहुत सारे प्लेलिस्ट लगी हुई है, और उन प्लेलिस्ट को आप क्लिक करें और आपको डिजायर्ड वीडियो या डिजायर्ड प्लेलिस्ट देखें, और आप अपने अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा फ्रेंड्स, मैं आपको लोग बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें ताकि आपको सारे के सारे अपडेट मिल पाए। थैंक यू वंस अगेन।